टीच यू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, हम पढ़ेंगे कि जो इंडियाज कंट्री है, इंडियाज कंट्री में किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट होती है वो वर्क करती है। इसके पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट। तो हम देखेंगे गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट इज अ बॉडी, गवर्नमेंट इज अ बॉडी विच वर्क एट द स्टेट लेवल और द नेशनल लेवल फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स। इट्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दैट इट वर्क वेलफेयर फॉर द पीपल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल्स, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल्स फॉर द कंट्री। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स फर्स्टली बी स्टडी दैट इंडिया इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो इंडिया है, इंडिया में फेडरल फॉर्म की गवर्नमेंट पाई जाती है। ठीक है, इन सारे बेस पे देखेंगे कि जो गवर्नमेंट्स होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है यूनिटरी और एक होती है फेडरल। ठीक, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पर पावर शेयरिंग ना हो, जहां पर पावर शेयरिंग ना हो, जहां पर सिर्फ एक गवर्नमेंट, सिंगल गवर्नमेंट, सिंगल गवर्नमेंट पूरी तरीके से शासन करती हो ऑल लेवल पे। बट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जो होती है उसको डिवाइड कर जाती है। ठीक, एक हो जाती है यूनियन गवर्नमेंट, दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। दो सेक्टर डिवाइड की जाती है। बाद में क्या हुआ कि एक लोकल गवर्नमेंट, दैट इज लोकल बॉडी भी पूरी तरीके से ऐड कर दिया गया। आप ये देखेंगे कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पर पावर को शेयर कर दी गई है, वो है यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। बाद में लोकल लेवल के गवर्नमेंट्स को भी इंक्लूड किया गया। तो फर्स्टली हम देखेंगे इन इंडियाज गवर्नमेंट्स है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेयर पावर इज शेयर्ड इनटू यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट्स। फर्स्टली वी आर ऑब्जर्व दैट व्हाट्स पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट पावर हैज स्टेट गवर्नमेंट। तो इन इंडिया गवर्नमेंट शेयर देयर पावर, पावर को शेयर कर दी गई है। यहां पर पावर को पूरी तरीके से शेयर कर दी गई है। दैट मीन्स जो फर्स्ट इस नाते पावर को शेयरिंग बेस की गई है इनटू थ्री लिस्ट। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। दैट मीन्स जो इंडिया की पावर है उस पावर में, उस पावर को पूरी तरीके से थ्री लिस्ट में डिवाइड कर दी गई है, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में। फर्स्ट हम देखेंगे कि जो स्टेट लिस्ट है, सॉरी यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं जिस पर पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉज बना सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे फर्स्टली जो यूनियन लिस्ट होती है उस यूनियन लिस्ट का मतलब होता है कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हैज
पावर टू मी क्लास, दैट मीन्स ऐसी लिस्ट जिसपे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अथॉरिटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है उस पर कानून बनाने के लिए, उस लिस्ट को हम कहते हैं यूनियन लिस्ट। क्या कहते हैं? यूनियन लिस्ट। एंड नेक्स्ट इज स्टेट लिस्ट। यस, अब इसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मैटर हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं, दैट मीन्स यूनियन लिस्ट में शामिल किए गए हैं। तो फर्स्ट है डिफेंस, सेकंड है बैंकिंग, थर्ड इज करेंसी, एंड फोर्थ इज फॉरेन अफेयर्स। And fifth is communication. Next is communication. That means these are subjects which have power to make laws only central government. Defense. अपने देश को अन्य कंट्री से कैसे डिफेंस करना है उसकी जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। बैंकिंग में कोई भी नई पॉलिसीज बनानी है, कोई भी लॉज बनाना है, तो वो यूनियन लिस्ट में, दैट मीन्स उस पर भी कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। करेंसी जो भारतीय मुद्रा है, इस पर भी कानून बनाने की पूरी जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। फॉरेन अफेयर्स जो बाहर के मामले हैं उस पर भी, दैट मीन्स जो अपनी विदेशी नीति है, जो विदेशी मामले हैं, उन विदेशी मामले में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट कम्युनिकेशन जो है, उस कम्युनिकेशन पे, करेंसी पे, इन सब पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो सेकेंड सब्जेक्ट है, जो सेकेंड लिस्ट है, वो लिस्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट मीन्स द मैटर हुज हैज पावर टू मेक लॉज ओनली स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार हो कि वो उस पर कानून बना सके, इसको हम स्टेट लिस्ट कहते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉज, ठीक है। और स्टेट लिस्ट किसको कहते हैं? ये भी पॉलिसी की, कानून की, या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट की एक लिस्ट होती है जिस पर उस सब्जेक्ट में पावर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को होता है कि जो रूल्स और रेगुलेशन कैसे फॉलो होना है, किस सब्जेक्ट पर कौन सी पॉलिसी बनानी है, ये डिसाइड करता है उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट्स कि वो अपने स्टेट में किस किस मामले में कौन कौन सा कानून बना सकता है। उसमें भी कुछ जो मेन स्टेट हैं जिस पर उस स्टेट की गवर्नमेंट्स बनाती है वो है एग्रीकल्चर, ठीक है। अपने स्टेट के फार्मर को कौन सी फैसिलिटीज देनी है, उनकी MSP, दैट मीन्स उनकी जो प्रोडक्टिविटी हो, किस रेट पे बेचना है, ये सब डिसाइड करती है उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो है वो है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो डिफरेंट पॉलिसीज बनाती है। वो सेकंड सब्जेक्ट है, वो है पुलिस, दैट मीन्स इसकी जो मेन जिम्मेदारी है वो है कि वो अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से मेंटेन करे, ठीक। जो उसका लॉ एंड ऑर्डर है, उस लॉ एंड ऑर्डर को वो किस ढंग से अच्छे तरीके से मेंटेन करे जिससे उसके स्टेट में जो अराजकता है वो ना फैल पाए, दैट मीन्स अपने देश में, अपने स्टेट में वो अच्छे तरीके से रूल्स और
रेगुलेशंस को फॉलो करे, ये जो शामिल है उस स्टेट के स्टेट लिस्ट में। थर्ड इज ट्रेड, ठीक है, ट्रेड अदर स्टेट्स, ये सब डिसाइड करता है स्टेट लिस्ट, ठीक है, कि उसमें उसको दूसरे प्रदेशों के साथ, दूसरे स्टेट के साथ कैसे या कौन सी चीजों का ट्रेडिंग करना है, दैट इज व्यापार करना है, ये डिसाइड करती है उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है इरिगेशन फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर या फिर जो और बहुत सारी फैसिलिटीज होती है, ये उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। दैट इज दीज आर सब्जेक्ट विच हैज पावर टू मेक लॉज ओनली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट। नेक्स्ट लिस्ट इज नोन एज कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको कहते हैं समवर्ती सूची, ठीक है, जो तीसरी लिस्ट आपने भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। मीन्स ऐसा होता है जिसमें विच है, इट इज लिस्ट विच है बोथ, ठीक है, ये ऐसी लिस्ट होती है जिसमें बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉज, ठीक, तो कॉन्करेंट लिस्ट होती है एक ऐसी लिस्ट होती है जिस पर दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कोई लॉज बनाते हैं, तो उस तरीके की लिस्ट कौन करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट शामिल है वो है फॉरेस्ट, ठीक, इस पर कोई भी लॉज बनाना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर बनाएंगे। जो सेकेंड है वो है ट्रेड, इनके अलावा जो विदेशों से बहुत सारे ट्रेड होते हैं वो उस स्टेट और सेंट्रल दोनों तरीके की गवर्नमेंट इसको डिसाइड करने के कि हम अपने स्टेट से कौन से प्रोडक्ट को या किस गुड्स को हमें अन्य कंट्री में भेजनी है। नेक्स्ट इज मैरिज, जो मैरिज वगैरह के लिए बहुत सारी पॉलिसी बनानी है वो कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल है। दैट मीन्स बार बार आपको बता रहे हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के कोई पॉलिसी बनाते हैं या कोई लॉज बनाते हैं तो इसको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। तो ट्रेड और मैरिज इन दोनों में और फॉरेस्ट में ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल है जिसमें दोनों गवर्नमेंट मिलकर काम करती है। इनके अलावा नेक्स्ट है एजुकेशन इज ऑल्सो कैप्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, जिसके लिए दोनों स्टेट भी और सेंट्रल मिलकर के कानून बनाती है। इनके अलावा सक्सेशन, ये सब ऐसे मैटर हैं जिस पर दोनों स्टेट मिलकर के पूरी तरीके से दोनों गवर्नमेंट मिलकर के काम करती हैं और पूरी तरीके से अपने कंट्री के पीपल्स के वेलफेयर के लिए और अपने देश में किस मैटर पे पूरी तरीके से किस तरीके का शासन करना है, ये सारी चीज़ें इन सारे देशों में पूरी तरीके से शामिल करवाता है, ठीक। ये डेमोक्रेसी की सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर थ्री पार्ट्स में गवर्नमेंट्स को डिसाइड कर दी जाती है, ठीक, जैसे हम जानते हैं ऐसा कुछ जानते हैं क्योंकि इंडिया इज वेरी बिग कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है जिस पर सिर्फ एक गवर्नमेंट को लोकल लेवल पे और पूरे क्षेत्रों में शासन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इस नाते पावर को शेयर कर दिया जाता है।
डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, जिससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से बोल रहा है, राइट। नेक्स्ट बात आती है कि पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से मिल करके पब्लिक के बिल करके बेटरमेंट तरीके से काम कर पाए, ऐसा इस नाते फेडरल गवर्नमेंट भारत में बनाएंगे। नेक्स्ट आती है इन क्लास 7 वी हैव रीड अबाउट ओनली स्टेट गवर्नमेंट्स। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। यहाँ पे आपको सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कैसी होती है और स्टेट गवर्नमेंट का रोल क्या होता है। तो ये आपने जान लिया कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने स्टेट के पीपल्स को लुक आफ्टर करती है, उनके वेलफेयर के लिए कानून बनाती है, लॉज बनाती है, लेकिन वो अपने स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अन्य क्षेत्रों में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। अब वो अपने स्टेट लिस्ट में जो शामिल किए गए सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट पर वो पूरी तरीके से कानून बनाती है। इनका जो मेन कानून स्टेट गवर्नमेंट का कि अपने स्टेट के लाइन ऑर्डर पूरी तरीके से मेंटेन करें, जो फार्मर हैं उनकी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जाए, इरीगेशन फैसिलिटीज दिया जाए, इसके अलावा जो डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट हैं उनकी जो ट्रेड है वो अच्छे रेट पे फार्मर को दिलाई जाए, जिससे फार्मर की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी तरीके से सुदृढ़ हो सके। नेक्स्ट इज आफ्टर द शेयरिंग ऑफ पावर बी रीड अबाउट स्टेट गवर्नमेंट्स। आपसे कोई पूछता है व्हाई डू वी नीड टू शेयर द पावर, तो इसमें आप बताइए इंडिया हैज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और शेयर द पावर एट अ डिफरेंट लेवल फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द पीपल्स। नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट्स मेक लॉस फॉर द गवर्निंग ऑफ द पीपल्स एंड देन फॉर द वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स। एनी गवर्नमेंट एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स डिवाइडेड इनटू थ्री ऑर्गन्स, या एनी गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हो, उसके कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिस ऑर्गन से मिलकर वो गवर्नमेंट्स वर्क करती है। जो फर्स्ट ऑर्गन्स है स्टेट गवर्नमेंट्स की वो है लेजिस्लेटर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। इसको आप समझ लेंगे लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये सारे कौन से मैटर हैं जिस मैटर पे ये कौन कौन से ऑर्गन हैं जो ऑर्गन पूरी तरीके से गवर्नमेंट्स के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है, बहुत ही जरूरी होता है, ठीक। तो जो लेजिस्लेटर होते हैं ये पूरी तरीके से इलेक्टेड पीपल्स होते हैं जिनके पास पावर होती है टू मेक लॉज, ये कानून बनाते हैं। जो लेजिस्लेटर होते हैं ये अपने स्टेट के लिए अपने देश के लिए कानून बनाते हैं। सो लेजिस्लेटर इज आल्सो कॉल्ड लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी। व्हाई, जो पार्टी पूरी तरीके से मेजोरिटी में आ जाती है, मेजोरिटी में आने के बाद उसको पूरी तरीके से शासन करना होता है, दैट इज जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीत कर आती है उसको की जाती है कि ये बनाए गए लॉज को, उस लॉज को कैसे वो पब्लिक के ऊपर फॉलो करती है, ठीक है। तो ये वर्क है एग्जीक्यूटिव का, दैट मीन्स इसको कहते हैं कार्यकाल।
कार्यपालिका जिसका मतलब है कि जो लाज बनाती है उस लाज के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को रन करना है। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के पेपर हैं वो पेपर पूरी तरीके से कैसे उनको कार्य करना है वो डिपेंड करता है एग्जीक्यूटिव पे। जो एग्जीक्यूटिव्स होती है उसमें ये जो लेजिस्लेटर होते हैं इनमें शामिल होंगे MLAs और MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होती तो यहाँ पे शामिल रहते MP, वो राज्यसभा के या फिर लोकसभा के। फिलहाल हमें यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है स्टेट गवर्नमेंट की। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे MLA और MLC की। ठीक है, ये दो लोग मिलकर के अपनी स्टेट के लिए नई नई पॉलिसीज नए नए कानून बनाते हैं जिस कानून के अकॉर्डिंग उनको शासन करना होता है। नेक्स्ट होती है एग्जीक्यूटिव में शामिल होते हैं पूरी तरीके से उनमें होते हैं जो गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, CM और डिफरेंट तरीके की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो शामिल होते हैं जिनका काम कि उस कानून को फॉलो कराना है सिटीजन के ऊपर या फिर स्टेट के पब्लिक के ऊपर। अगर इस गवर्नमेंट्स के इस कानून को कोई वायलेट कर रहा है या कोई नहीं फॉलो कर रहा है तो वो मामला जाएगा जुडिशरी में, दैट मीन्स न्यायपालिका, जहाँ पर उसको अगर वो लेजिस्लेटर के द्वारा बनाए गए कानून को ब्रेक डाउन करता है तो उसको जो अपने देश की या उस स्टेट की गवर्नमेंट्स जो जुडिशरी होगी वो उसको पनिश करेगी, पनिशमेंट करेगी। तो अब हम लोग बात करेंगे कि अपनी जो स्टेट होती है उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर कैसे होती है। ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो स्टेट लेजिस्लेचर कैसे होती है और वो किस तरीके से शासन करती है और उसमें कौन कौन से बॉडी शामिल होती है। तो वो है स्टेट लेजिस्लेचर, देखेंगे दैट इज जो गवर्नमेंट की फर्स्ट ऑर्गन है वो फर्स्ट ऑर्गन है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेटर जो होती है वो पूरी तरीके से वो MLAs होते हैं जो चुनाव लड़ करके जाकर चुनाव को कंप्लीट करते हुए जीत के आते हैं उनको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। वो पूरी तरीके से अपने स्टेट के लिए डिफरेंट पॉलिसी और डिफरेंट तरीके के कानून बनाते हैं। कुछ ऐसे स्टेट हैं इंडिया में जिनको हम यूनी कैमरा दैट मीन्स जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर में सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के ही मेंबर शामिल होते हैं। वो मेंबर जो होते हैं उनको हम कहते हैं विधानसभा। और कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं, ठीक है, तो ऐसे स्टेट जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक हाउस ही शामिल है या फिर सिर्फ विधानसभा ही शामिल है उनको हम कहते हैं विधानसभा। ठीक, जैसे अरुणाचल प्रदेश, केरला, ठीक है, ये सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सभा ही होती है उनको विधानसभा। तो ऐसे स्टेट के लेजिस्लेटिव बॉडी जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक हाउस ही होती है उनको हम यूनी कैमरा कहते हैं। ठीक है, इसको आप सर्च करिएगा कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर यूनी कैमरल फॉर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पाई जाती है। नेक्स्ट इज कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर दो बॉडी होती है, ठीक है, दो तरीके के मेंबर होते हैं, विधानसभा और एक होता है
विधान परिषद, ठीक, इनको कहते हैं एमएलए और इनको कहते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दो तरीके के मेंबर होते हैं। इस तरीके के हाउस को हम बाइकैमरल हाउस कहते हैं, जहां पर दो तरीके की बॉडी होती है, विधानसभा की और विधान परिषद की। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मेंबर ऑफ विधानसभा है, दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव है, उसकी जो नंबर है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। उनकी जो सबसे कम संख्या हो सकती है वो होती है 500, और जो सबसे जो हाईएस्ट नंबर है किसी भी स्टेट में एमएलएस की वो है 500, और जो सबसे कम होती है वो है 60। जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो यूपी में और भी बहुत सारे अन्य स्टेट में सीटें हैं, और जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर जो इनकी सीटें होती है वो सबसे लोएस्ट होती है, ठीक। तो इनकी नंबर जो होती है वो भी नंबर जो होती है वो वैरी करती है स्टेट टू स्टेट, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंडियाज में बहुत सारे स्टेट हैं वो एक स्टेट दूसरे स्टेट से पूरी तरीके से वैरी करते हैं, वो चाहे ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन हो, ऑन द बेस ऑफ एरिया हो, दैट मीन्स वो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट होते हैं उनकी लैंड एरिया, ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन वो पूरी तरीके से वैरी होता है, बहुत डिफरेंस होता है। इस नाते जो नंबर ऑफ सीट्स है लेजिस्लेटर की वो भी अलग अलग तरीके से है, कहीं 500, 400, 300, 200 भी है, तो कहीं 60 या उससे भी कम है। नेक्स्ट आती है बात कि कौन सी ऐसी एलिजिबिलिटी है जिस एलिजिबिलिटी के बेस पर कोई भी व्यक्ति एमएलए बन सकता है, व्हाट आर एलिजिबिलिटी फॉर स्टेट लेजिस्लेटर, ठीक है। कुछ योग्यताएं होती हैं, उन योग्यताओं का होना बहुत जरूरी है अगर आप एमएलए का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए फर्स्टली होना चाहिए वो होना चाहिए कि उस नागरिक को, ये जरूरी है कि वो सिटीजन हो, कहाँ का सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो भारत का नागरिक हो। अगर उसको लेजिस्लेटर असेंबली में चुनाव लड़ना है तो सेकेंड योग्यता उसकी पूरी तरीके से होनी चाहिए कि उसकी जो एज है वो एज उसकी होती है होनी चाहिए एवर 25, उसकी एज कम से कम 25 साल अगर वो एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता है। जो तीसरी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो है कि उसका नेम जो है, ठीक है, नेम क्या होना चाहिए, टू बी रजिस्टर्ड इन वोटर लिस्ट, जो वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट में उसका नाम होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज कि वो पूरी तरीके से मेंटली फिट हो, ठीक है, मेंटली साउंड हो, दैट मीन्स वो पूरी तरीके से दिमागी रूप से स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, तभी वो चुनाव पूरी तरीके से लड़ सकता है। नेक्स्ट बात आती है कि पूरी तरीके से ये जरूरी है कि वो गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी प्रोफिट पोस्ट पे ना हो, दैट मीन्स वो कहीं गवर्नमेंट सर्विसेज ना करता हो। तो ये हमने देखा एलिजिबिलिटी फॉर द लेजिस्लेटर, ठीक है, ये सारी योग्यता होनी चाहिए जिस पर वो चुनाव कोई भी व्यक्ति एमएलए का चुनाव लड़ सकता है। उसके लिए हम लोगों ने देखा था जो कैंडिडेट्स होते हैं वो चुनाव जहाँ से लड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, ठीक। तो अपनी जो चुनाव होती है उस चुनाव में
बहुत सारी ऐसी सीटें होती हैं जिस पर पूरी तरीके से ये सारी योग्यता होने के साथ साथ वो सीटें ऐसी होती है कि वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जो रिजर्व होती है किसके लिए, फॉर द एससी एंड एसटी। ठीक है, वहां से भले ही आप में वो योग्यता है लेकिन आप उस कास्ट से नहीं मिला जा रहे हैं, इस नाते उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। नेक्स्ट होती है, ये सारी योग्यता होने के बाद वो पूरी तरीके से चुनाव लड़ने की एलिजिबिलिटी पूरी तरीके से रखता है और वो चुनाव लड़ सकता है। बाकी की जो चीज़ें हैं उसको आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि चुनाव जीतने के बाद उस एमपी या एमएलए का फंक्शंस क्या होता है और किस हाउस में बैठकर वो अपने स्टेट के लिए कानून बनाता है। तब तक के लिए आपको इतना बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। ओके।